हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव्या ऑनलाइन स्टडी चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे क्लास सेवेंथ का सिलेबस आपको आजकल करा रही हूँ, तो इसमें आपको संस्कृत, SST, इंग्लिश, मैथ इन सब की वीडियोस मिलेंगी। एक और चीज़ है कि क्लास थर्ड से लेकर क्लास फिफ्थ तक कंप्लीट इंग्लिश की जो बुक है उसकी सभी लेसन हमने यहाँ पे डाले हैं, और क्लास फर्स्ट के लिए एनिमेटेड वीडियो भी डाले हैं। अगर आपके वहाँ कोई छोटा बच्चा है तो वो भी उनको देख सकता है और अच्छे से सीख सकता है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है क्लास सेवेंथ की मैथ्स, और इसका फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हमने दो वीडियोस डाल दी हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले जाके उनको देखिए। तो आज मैं आपको कराऊंगी इसके आगे क्वेश्चन, चलिए चलते हैं। तो अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, इससे पहले हम फर्स्ट सेकंड कर चुके हैं तो थर्ड पे आता है। क्वेश्चन है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो क्वेश्चन समझिए, एट श्रीनगर, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो -5 डिग्री सेल्सियस है मंडे के दिन वहां का टेम्परेचर। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, और वो उसके बाद ट्यूसडे में क्या हुआ, वो थोड़ा ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया मतलब गिर गया ट्यूसडे को। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा। देन ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे में इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस ये उठ गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो उस दिन टेम्परेचर क्या होगा। करते हैं श्रीनगर, लिखते हैं यहाँ पे श्रीनगर। श्रीनगर का क्या टेम्परेचर है, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है टेम्परेचर है यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस। अब मंडे को था और ये ड्रॉप हो गया, गिर गया ट्यूसडे को, तो कैसे करेंगे हम इसको। देखिए -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो -5 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब हमको क्या करना है, ये देखना है कि कितना गिर गया। -2 डिग्री गिर गया ट्यूसडे को, तो कितना टेम्परेचर होगा उस टाइम पे श्रीनगर का, माइनस करना पड़ेगा, सिंपली माइनस करना पड़ेगा। तो -2 डिग्री सेल्सियस। सर ये मैंने आपको क्या बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है वो बन जाता है प्लस। तो माइनस माइनस जो यहाँ पे होता है वो प्लस बन जाता है, तो उसको वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो इसमें भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे, माइनस माइनस को हम क्या कर देंगे, प्लस का साइन बन जाएगा। तो 5 में से 5 + 2 होता है 7। तो क्या ये एग्जैक्ट आंसर है, क्या ये ही आंसर होगा, नहीं। हमारा जो आंसर होगा इसे आगे देखिए, मैंने वो क्या बताया था, माइनस अगर माइनस होगा तो प्लस तो होगा, बट उसमें क्या होगा, जो बड़े वाले का साइन आ जाएगा आगे से। बड़ा कौन सा है, 5, और 5 का क्या साइन है, माइनस। इसका भी माइनस ही है, अगर यहाँ पे प्लस होता फिर भी किसी का साइन लगता क्योंकि ये बड़ा है। तो -7 डिग्री सेल्सियस। तो अभी जब ये गिरा ट्यूसडे का जो टेम्परेचर है वो गिरा, तो कितने पे गिरा, -7 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब इसका जो ये अभी यहाँ पे ना ऑन वेनसडे ये अभी हम करते हैं, ठीक है, इसको ये देखिए। अब इसी क्वेश्चन में पूछ रखा है, वेनसडे का भी पूछा है, इसको भी कर लेते हैं। तो वेनसडे क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस रोज हो गया, बढ़ गया, isn't it? तो अब क्या करेंगे, पहले कौन सा टेम्परेचर, पहले हमने देखा था हमारा आंसर माइनस इतना आ रहा, -7 डिग्री। तो जब ये ट्यूसडे को इतना था तो वेडनेसडे को क्या होगा,
वेडनेसडे को क्या होगा, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि ये बढ़ रखा है ना, बड़ा बड़ा है तो प्लस करेंगे, सॉरी डिग्री सेल्सियस में लिख देते हैं, प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहां पे करेंगे, मैं आपको बताया था साइन को देखना है कौन सा माइनस और प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 डिग्री सेल्सियस। बट ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसके साइन पे ध्यान देंगे। बड़ा कौन सा है, बड़ा 4 है 7 है, 7 है, 7 पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस। तो इसका मतलब वेनसडे को क्या टेम्परेचर है, वेनसडे को है -3 डिग्री सेल्सियस। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। अब एक सी लेवल है, ये सी लेवल है, इसको हम 0 कंसीडर करेंगे, इसके ऊपर एक प्लेन है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लेन फ्लाई करेगा, तो ये वाटर है जैसे, तो ओके तो वाटर है, इसको हम 0 कंसीडर करेंगे, इसके अबव सी लेवल के अबव 5000 मीटर ऊपर क्या है, ये एक प्लेन क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है इतनी हाइट पे, और इसके नीचे सी लेवल के नीचे एट बिलो एक सबमरीन है, कितने 1200 मीटर नीचे है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये एरोप्लेन हो गया और ये सबमरीन हो गया। अब देखिए मैं आपको इसी के इससे समझाऊंगी, देखिए अब 5000 है ये, अगर फ्लाइंग है, और अभी हमको क्या करना है, इसके बीच में क्या बोल रहा है, व्हाट इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, ये पूछ रहा है कितना ये दूर है एक दूसरे से। तो देखिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि आपको ऐसे तो पता है कि जब भी हमको वो करना होता है, डिस्टेंस निकालना होता है बीच में, और ये इसका तो अगर करेंगे तो हमको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं। अब देखिए ब्रैकेट करके -1200 आएगा, माइनस क्यों आएगा, यहाँ पे तो सर 1200 लिखा है, बट ये क्या है, बिलो है ना, अगर ये अबव है तो ये प्लस का हो जाएगा, अब ये बिलो है तो इसमें नीचे है तो इसमें माइनस का आएगा, ये हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6200, वी कैन से 6200। तो इतना इन दोनों के बीच में अगर वर्टिकल डिस्टेंस पूछेगा तो 6200 मीटर का इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, लेट्स मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन, क्या कह रहा है, मोहन डिपॉजिट्स रुपीज 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। तो मोहन है, उसने रुपीज 2000 अपने बैंक में डाली, डिपॉजिट करी, एंड विड्रॉज रुपीज 1642 फ्रॉम इट, और उसमें से 1642 रुपीज क्या करें, निकाल ली। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इफ विड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, अगर अगले दिन जो उसने अमाउंट अकाउंट से विड्रॉ करा था वो एक नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट होता है, दिखाई पड़ता है, सो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है आप उसको कैसे क्या करोगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, तो मोहन के अकाउंट में जो बैलेंस है
विड्रॉवल के बाद कितना उसके उसमें बैलेंस बचा वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो है देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो उसको पहले लिखते हैं मोहन डिपॉजिट। कैसे लिखोगे? रुपीज 2000। ठीक है, अब विड्रॉल आएगा तो विड्रॉल कितने करे थे? विड्रॉल कितने रुपीज 1642। ओके तो आप कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, अब ये देखना है कि अब उसके उसमें कितना बैलेंस बचा है। ठीक है, तो अब कितना उसमें बैलेंस बचा हुआ है, तो सबसे पहले मोहन डिपॉजिट अमाउंट प्लस विड्रॉज अमाउंट को हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए, नेगेटिव इंटीजर में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट डे ये विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। अगर वो नेगेटिव इंटीजर से दिखा रहा है विड्रॉ अमाउंट, नेगेटिव इंटीजर से दिखा रहा है ऐसे, वो नेगेटिव में होगा क्योंकि उसने वो पैसे निकाल लिए तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। अब क्या बताया था, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, क्या करेंगे 2000 माइनस 6 वो सॉरी माइनस 1642। माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, देखिए माइनस करने के बाद मिलेगा 853। So, उसके अकाउंट में मोहन के अकाउंट का बैलेंस क्या है 358। तो ये है उसके मोहन के अकाउंट का बैलेंस। ओके यस, सो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, लेट्स मूव टू सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके यस, तो ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, रीता गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। यहाँ पे एक लाइन भी है तो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से रीता, देखिए पॉइंट ए है, पॉइंट ए से रीता पॉइंट बी तक गई, ईस्ट की तरफ को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बी को गई, कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर। देन सी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, फिर वो क्या आई वेस्ट को आई 30 किलोमीटर, क्या आई 30 किलोमीटर वो वेस्ट को आई। ठीक है, तो वेस्ट को इधर को आई 30 किलोमीटर, उसी सेम रोड से 30 किलोमीटर वेस्ट को आई। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, जब जो डिस्टेंस है ईस्ट तक का वो पॉजिटिव इंटीजर से अगर दिखा रहा है तो जो वेस्ट की तरफ ट्रेवल किया है उसको कौन से इंटीजर से दिखाएंगे। ओके तो पहले इतना करते हैं, कौन से इंटीजर से दिखाएंगे वेस्ट को जाने का। अब यहाँ पे पॉइंट जब वो वेस्ट ईस्ट को गई तो क्या दिखाया था 20 किलोमीटर, अभी जब वो किधर को आएगी वेस्ट को आएगी तो माइनस 30 किलोमीटर हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर से दिखाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए, कौन से इंटीजर से तुम उसकी फाइनल पोजीशन दिखाओगी, ए की फाइनल पोजीशन, ए की मतलब पहले उसकी ए थी ना पोजीशन, तो उसके बाद जब वो 30 किलो पहले 20 किलोमीटर गई फिर 30 किलोमीटर, तो उसके बाद उसकी क्या पोजीशन होगी। देखिए ईस्ट को गई थी 20 किलोमीटर एंड देन वेस्ट को गई माइनस 30 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 10। अब बड़ा है ना, यहाँ पे अगर प्लस आएगा क्योंकि ये इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो बड़ा कौन सा है, 30 का साइन है, माइनस का साइन है, माइनस 10 किलोमीटर। तो
तो इसका मतलब ये अगर यहाँ से 20 गई तो जब वो वापस 30 आई तो उसके बाद जो उसकी पोजीशन होगी वो कुछ यहाँ पर होगी, मींस माइनस 10 किलोमीटर। तो इसका आंसर आ गया माइनस 10 किलोमीटर। ओके यस, सो ये थे हमारे क्वेश्चन। हमने कौन से करे, 3, 4, 5 एंड 6। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इनको आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से ये आ जाएंगे। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगले क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।